हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको बहुत ही ख़ास जगह लेके चल रहे हैं, और जगह है सुरकंडा देवी मंदिर। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, जो कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में जौनपुर के सुरकुट पर्वत पर स्थित है। तो चलिए चलते हैं। और मंदिर जाने के लिए आपको यहाँ पर रोपवे की भी सेवा मिलेगी। रोपवे का किराया पर पर्सन 180 रुपीज़ है। तो आप अगर चाहो तो रोपवे से भी जा सकते हो। अगर आप पैदल जाना चाहते हो तो पैदल 1.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई होती है। थनौल्टी से आपको सुरकंडा देवी मंदिर लगभग 81 किलोमीटर मिलेगा। और उसी के साथ हमारी रोपवे भी आ जाती है, और हम सब चलते हैं रोपवे पे और आपको दिखाते हैं कैसा व्यू दिखता है रोपवे से। और रोपवे से आपको बहुत सारे लोग पैदल जाते हुए भी दिखाई देंगे। और अगर आप रोपवे से जाएंगे तो मंदिर तक जाने में आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। और इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ हम पहुंच जाते हैं सुरकंडा देवी मंदिर। तो चलिए चलते हैं। यहाँ का मुख्य माथम इसी का है, रोशनी। मंदिर में आपको प्रसाद के रूप में रोशनी की पत्तियां दी जाती हैं, और ये पत्तियां औषधि गुणों से भरपूर होती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन पत्तियों से घर में सुख समृद्धि आती है, और क्षेत्र में इसे देववृक्ष का दर्जा हासिल है। और यह मंदिर देवी दुर्गा माँ को समर्पित है, जो 9 देवी के रूप में एक हैं। सुरकंडा देवी मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है। देवी सुरकंडा सभी कष्टों व दुखों को हरने वाली हैं। सुरकंडा मंदिर में आपको प्रतिवर्ष गंगा दशहरे के मौके पर विशाल मेला लगता है, और यहाँ पर आपको नवरात्रि के समय भी बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। और यह मंदिर धनौल्टी और काना ताल के बीच में स्थित है, जो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अगर आप कभी भी धनौल्टी जाइएगा तो आप सुरकंडा देवी मंदिर जरूर जाइएगा। सुरकंडा देवी मंदिर ठीक पहाड़ की चोटी पर है। मंदिर घने जंगलों से घिरा हुआ है, और मंदिर से उत्तर दिशा में आपको बहुत ही सुंदर हिमालय का दृश्य दिखाई देता है। मंदिर परिसर के सामने आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री अर्थात चारों धाम की पहाड़ियां नज़र आती हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और उसी के साथ हम भी आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो जय सुरकंडा देवी।